आपके साथ और आज हम दुनिया के सबसे मजेदार शहर दुबई में मौजूद हैं। हमारे आजू बाजू में वो एटलांटिस होटल है, वो सामने बुर्ज खलीफा वगैरह है और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें आपको नज़र आ रही हैं। कितना ज़बरदस्त माहौल है, लोग इधर पार्टी करने आते हैं, हम इधर खाना खाने के लिए आए हैं। हर तरफ रश है, हजूम है, देख के आप परेशान हो गए होंगे। तो चलें जी, हम अपने खाने की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले इन्होंने हमें स्टार्टर में दिए है ये गोलगप्पे, बड़े क्या पाकिस्तान की याद ताज़ा करा दी। भाई मजाक करो भाई, हम लाहौर में हैं इस टाइम और जो एरिया का नाम है वो राया है और ये जिस रेस्टोरेंट पर हम आए हैं ये टॉप फ्लोर पर है, 12 के नाम। खैर जी, हमारा खाने का ऑर्डर आ गया जी और ये भाई है ना सामने कुछ करतब छरतब करने लगे हैं यार। एक तो इनका ये जो है ना, ये इतनी सी चुन्नी सी ऊपर आग रख देते हैं, नीचे गो जितना मर्जी ढीट का ढीट रह जाता है, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन खैर, इन्होंने अपना जादू अपना मुकम्मल कर दिया, पता नहीं क्या फ़ायदा था इसका। ये शुड़ुलबाजी जो करते हैं ना, खैर लेकिन आजकल ये शचके वाले रेस्टोरेंट्स में आजकल इस तरह चलता है, तो हम लेकिन प्रीफर करते हैं क्वालिटी ऑफ फूड की। ठीक है, तो ये देखें कितने सेहतमंद किस्म के कबाब, इसके 3-4 किलोमीटर के मेरे ख्याल कबाब ही कबाब हैं। तो बहरहाल इसके अंदर जी हमें मटन का पीस उन्होंने डाल के दिए और जिसे ये रिब्स जिसे कहते हैं, और इसके साथ ये थोड़ा सा चर्बी वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन दूसरे पार्ट्स की नस्बत, लेकिन ये होती टेस्टी है, बहुत डिलीशियस। तो साथ वालों को तो मैंने कह दिया कि आप ये कबाबा शबाबा से गुजारा करें जिसके अंदर मलाई बोटी भी है, तिक्का बोटी भी, बड़े मज़े के हैं वैसे, और मैं तो अपनी रिब्स के चक्कर में ही हूँ। और खैर बहरहाल इनका ये चिकन कढ़ाई भी ऑर्डर की है, तो ये टेस्ट करने के बाद पता लगा कि वो इतनी मज़ेदार नहीं थी, लेकिन ये ज़बरदस्त अच्छा स्टीम हुआ हुआ है और ये चावलों के साथ खाने का मतलब बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ज़बरदस्त टेस्ट है इनका ना, अच्छा पका हुआ है। अच्छा ना भी होता तो फिर भी हमने खा ही जाना था, बस बकरा होना चाहिए जैसा भी हो। इनकी कबाब वाली तो बारबेक्यू वाली रोटियाँ छोटियाँ बड़ी नरम नरम जूसी जूसी सी हैं और ज़बरदस्त बड़ा हेल्दी कबाब है, और ये सिर्फ देखने में नहीं ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। खैर जी, जितने फैंसी रेस्टोरेंट होते हैं उसमें देसी फूड की अच्छी क्वालिटी रखना भी बड़ी बात होती है, तो इट इज़ वन ऑफ देम। पहले मार्गरेटा हम पीते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, लेकिन अभी हमारा सर चकरा गया इसलिए पीना ज़रूरी है। बिल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल है भैया, रेस्टोरेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है, चलते हैं इंस्टॉलमेंट करवाते हैं।